हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास टेंथ का फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स का वीडियो देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कैसे हम फ्लेमिंग्स का नियम इस्तेमाल करते हैं। इन माय लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने पढ़ा था। आज मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या, आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका थंब है, ये आपका फोर फिंगर है और ये आपका सेंट्रल फिंगर है, राइट। ये आपका थंब हो गया, हैंड हो गया, दिस इज योर थंब, दिस इज योर फोर फिंगर, एफ एफ मतलब फोर फिंगर, ये है सेंट्रल फिंगर, सी एफ मतलब सेंट्रल फिंगर। थंब मेरा मोशन को बताता है या फोर्स को बताता है, फोर फिंगर ये फील्ड को बताता है और ये सी फोर सेंट्रल फिंगर सी फोर करंट को बताना। क्लियर बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है, ये थंब है, ये फोर फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर है, ये क्या बताएगा मोशन और फोर्स, ये क्या बताएगा फील्ड, ये क्या कौन सा फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या बताएगा करंट की डायरेक्शन, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर। और बच्चों इसका दूसरा भी है जो हम बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है दैट इज योर राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। मैं आपको दोनों नियम बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। राइट हैंड पाम रूल, तो इसमें क्या होता है बच्चों, राइट हैंड, ये राइट हैंड, ये आपका थंब है, ये आपका फिंगर है, ये आपका पाम है, ये पाम। तो ये थंब क्या बताएगा करंट या और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बताएगा फील्ड, फील्ड, और ये क्या बताएगा फोर्स। राइट हैंड पाम रूल, ये है राइट हैंड, राइट हैंड का ये पाम रूल। तो बच्चों ये बताएगा क्या फील्ड बताएगा, ये क्या बताएगा करंट या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये फोर्स बताएगा। ध्यान से देखिए, ये फोर्स बताएगा, ये राइट हैंड पाम रूल। वंस अगेन, राइट हैंड पाम रूल में क्या है, ये फोर फिंगर मेरा फील्ड बता रहा है, ये थंब मेरा क्या बता रहा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या करंट, और फोर्स कहाँ होगा इसके परपेंडिकुलर है ये, और ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या है थंब, ये क्या है फोर फिंगर, ये क्या है सेंट्रल फिंगर, ये क्या बताएगा फोर्स या मोशन, ये क्या बताएगा फील्ड, ये क्या बताएगा करंट। क्लियर बच्चों, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग है, उसको मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। क्लियर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल, ये तीन नियम आपको अच्छी तरह से जानना है क्लास टेंथ में। क्लियर, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, और इसका दूसरा फॉर्म है जो हम बड़े आराम से यूज करते हैं, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। ये तो लेट अस सी हाउ वी यूज दिस, ओके, कैसे यूज करते हैं। बच्चों ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, क्लियर, इससे करंट आई जाता है। पहले मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसा दिखाते हैं, अगर क्रॉस है, ये क्रॉस, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, परपेंडिकुलर इनसाइड इसका मतलब, और अगर डॉट है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से डॉट है, इसका मतलब परपेंडिकुलर आउटसाइड, आउटसाइड। प्लीज आप नोट कर लेंगे बच्चों, ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी से लिखते हैं, क्लियर। आप इसको साइड में नोट कर लेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, क्रॉस में लिखते हैं, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ फील्ड है, और डॉट में लिखते हैं, डॉट मतलब बाहर की तरफ फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके। अब बच्चों ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आप बताइए फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स इस कंडक्टर पे फोर्स कहाँ लगेगा। तो दो नियम मैंने बताया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा राइट हैंड पाम रूल। चलिए पहले इसको बताता हूँ, राइट हैंड पाम रूल। तो फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर ले जाएंगे, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो फोर्स मेरा ऊपर लगेगा। देखिए वेरी सिंपल लॉ है, फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ये करंट हो गया, ये अंदर की तरफ फील्ड हो गया, फोर्स इसके परपेंडिकुलर, तो फोर्स ऊपर लगेगा, क्लियर। अब आइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, ये आपका फील्ड है, ये आपका करंट है, ये फोर्स है। तो फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है। मीन्स आप किसी भी नियम से देखेंगे फोर्स ऊपर ही लगेगा, ये कौन सा फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर बच्चों। हम लोग सीख रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कल आप क्लास टेंथ के बच्चे हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं जैसे सुपर 30 का एग्जाम, एक्स नवोदय का एग्जाम ना, उसमें ये सब से क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे अक्सर नहीं कर पाते, तो हम इसलिए हमने सोचा कि आपको एक अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भूल जा रहे हैं तो राइट हैंड पाम रूल है, कोई भी एक तो नियम आप अच्छी तरह से पक्का हो जाइए। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बच्चे, मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने यहाँ डॉट दिखा दिया, डॉट का मतलब आप समझ गए होंगे, फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटसाइड, फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटसाइड। अब मैंने यहाँ पे कंडक्टर रख दिया है जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है, बताइए फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस कंडक्टर, इसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई एल है। तो फिर से आप लगाएंगे फ्लेमिंग्स, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए या राइट हैंड पाम रूल लगाइए। तो मैं ये इसको लगाता हूँ राइट हैंड पाम रूल, फील्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ फील्ड, करंट ऐसा है, ये फील्ड हो गया, नहीं नो फील्ड ऐसा हो गया, मैं ऐसा कह रहा हूँ, फील्ड ऊपर है, ऐसा है फील्ड, और करंट इसमें कैसा फ्लो हो रहा है, ये फील्ड, ये करंट, ये फोर्स ऐसा लग रहा है। डू अंडरस्टैंड, फील्ड ऊपर की तरफ, ये फील्ड हो गया, ये मेरा फील्ड हो गया, करंट ये करंट है, तो फोर्स ऐसा लग रहा है परपेंडिकुलर। तो मैं तो इसको हम यहाँ डायग्राम में ऐसा दिखाएंगे, ये फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर बच्चों, क्लियर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फील्ड ऊपर की तरफ, ये फील्ड ऊपर की तरफ, करंट ऐसा है, फील्ड ऐसा है, करंट ऐसा है, तो फोर्स नीचे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, क्लियर। तो आपको थोड़ी अभ्यास करनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, L है, L है, बताइए फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द नेट फोर्स,
इन दिस कंडक्टर, इन दिस स्क्वायर कंडक्टर। तो बच्चों आप यहाँ भी लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। तो फील्ड अंदर की तरफ करंट मान लो ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है राइट। तो फील्ड अंदर की तरफ करंट ऐसा है तो फोर्स नीचे लगेगा, इसमें फोर्स नीचे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स लाइक दिस। इसमें आइए फील्ड अंदर की तरफ करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो इसमें फोर्स ऐसा लगेगा। इसमें आइए फील्ड अंदर की तरफ करंट ऐसा तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एफ। इसमें आइए लाइक दिस फोर्स ऐसा, ये फोर्स इसको को कैंसिल करेगी, ये इसको कैंसिल करेगी तो नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि अगर क्लोज लूप है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो नेट फोर्स जीरो होगा। दैट इज इफ ए क्लोज्ड करंट लूप, इफ ए क्लोज करंट लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है टू चेक योर नॉलेज, कैन यू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और नॉट। क्लियर बच्चों? इट इज आस्क्ड इन योर कंपटीशन एग्जाम्स। सो वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल and how easily we can apply it by using alternate methods, that is the right hand palm rule, and what is the net force on any conductor you can find out very easily. अब इसका मैं कुछ एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, एप्लीकेशन में भी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। वो जो इसका एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन ये मोटर में होता है, मोटर जैसा कि आप जानते हैं मोटर क्या होता है, मोटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये होता है मोटर। क्लियर बच्चों? मोटर इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जैसा कि आप जानते हैं मोटर की मदद से पंखा घूमता है, मोटर की मदद से वॉशिंग मशीन काम करता है, मोटर इज वेरी यूजफुल। मोटर की वजह से पानी को हम ऊपर की टंकी में पहुँचाते हैं, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या होता है बच्चों, कंडक्टर मोशन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी में, और वो कंडक्टर मोशन करता है क्योंकि उस पर एक फोर्स लगती है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मोटर। मोटर का मैं अलग ही वीडियो बना के डालूंगा। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने सीखा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और कैसे इसको बड़े आराम से हम इस्तेमाल करेंगे और इसके हम अल्टरनेट कैसे इसको यूज़ करेंगे। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। थैंक यू।